महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना के रंग बदल गए हैं। प्रदेश के हालात कोरोना से खराब है, लेकिन उद्धव सरकार बयानबाजी में बिजी है। सुशांत की मौत पर शुरू हुई शिवसेना की सियासत अब तक खत्म नहीं हुई है और सांसद संजय राउत अभी भी शायराना अंदाज में सियासत कर रहे हैं। राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को लेकर ट्वीट नहीं किया है, लेकिन सुशांत के बहाने वो बीजेपी पर हमला रोज कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के राजनीतिक पिच पर अभी गेंद टर्न ले ली है और अब बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई में बवाल मचा है। इस बीच संजय राउत का एक और ट्वीट रिश्तों को लेकर कुछ अलग अंदाज बयां कर रहा है। शायराना अंदाज में लिखे गए इस ट्वीट के मुताबिक राउत कहना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बाधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। अब उनके इस ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की बीएमसी द्वारा उनके बंगले के एक हिस्सा गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत से जवाब मांगा था। राउत ने उन्हें पार्टी बनाए जाने को हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ अदालत में मामले कोई नई बात नहीं है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना के बंगले का एक हिस्सा गिरा दिया था। उसके बाद उखाड़ लेना से लेकर न जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। शब्दों की मर्यादा ने तूल पकड़ा तो बयानों पर सफाई भी दी गई। संजय राउत पत्रकार होने के साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में हमेशा से आक्रामक नेता की छवि रखने वाले संजय राउत के इस शायराना अंदाज को समझना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।